करते हैं। आज हम बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी। ठीक है, अभी हम अपनी स्टडी पॉइंट चार्जेस पे ही फोकस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्जेस पे हम थोड़ा बाद में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है ना। जैसे हम अवेयर है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा है और 12th भी एक बार तो पढ़ चुके हैं सभी, ठीक है। जैसा कि हमने मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है, क्लियर नहीं आ रहा बेटा, हो सकता है कि आपके एंड पे कनेक्टिविटी का कोई इश्यू हो, क्योंकि मेरे एंड पे तो अभी हाल फिलहाल तो कोई इश्यू नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी सभी बच्चों को क्लियरली विजिबल है, ठीक है बेटा, नहीं है विजिबल किसी को भी, ब्लर हो रहा है इमेज, मैं ट्राई करता हूं एक बार फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैं मैग्नेट की बात कर रहा था बेटा, कि जब हम एक मैग्नेट की बात करते हैं कि भाई एक मैग्नेट के पास में आप एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, या मैग्नेट के आसपास आप आयरन पार्टिकल्स को लेके आते हैं, ठीक है, तो वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कुछ इनविजिबल चीज है, कोई इनविजिबल फोर्स है जो उस पर लग रहा है, ठीक है। तो वो जो इनविजिबल चीजें होती है ना, वो एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में मैग्नेट से कोई लाइन्स नहीं निकल रही, ठीक है ना, जो लाइन्स जाके किसी को पकड़ के ले आती है, तो वो एक इमेजिनरी लाइन्स होती है। ठीक उसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब हम बात करते हैं चार्जेस की, कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज अगर आप ले रहे हो तो इसके अराउंड हमें इमेजिंग करते हैं, ये एक इमेजिनरी चीज है, सिर्फ स्टडी के लिए बनाई गई है, रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम की, ठीक है। तो हमने एक अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के से फील्ड हरदम निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हरदम बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज के आसपास आती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है फील्ड लाइंस हरदम, ठीक है। कहीं भी स्पेस में आपको कोई चार्ज रख दिया जाए कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी फील्ड लाइंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस दूर जाएंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे, ओके। अब देखो फील्ड लाइंस पढ़ने का हमारा कुछ ना कुछ मकसद होगा, कोई ना कोई पर्पस हमारा होगा जो हम फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस पढ़ने का मेन रीजन हमारा क्या है, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ पाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फील्ड लाइंस से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, आप कोई एक पॉजिटिव चार्ज लो, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके पास में आप एक नेगेटिव चार्ज लेके आए, ठीक है, या मैं इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं, ठीक है। दो चार्जेस को जब मैं पास लेके आता हूं तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब इसी चार्ज को मैं उठा के यहां रख दूं, इस चार्ज को यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, तो क्या होगा, मैं इसको मान लूं कि बहुत ज्यादा दूर रख दिया,
एक चार्ज धरती पे रखा और दूसरा चार्ज चांद पे रखा, उस केस में क्या होगा? क्या ये चार्ज अभी भी इसे अट्रैक्ट करेगा या ये चार्ज अभी भी इसे रिपेल करेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। चार्ज के अराउंड, इसका मतलब क्या है कि किसी भी चार्ज की लिमिट फिक्स्ड होती है, किसी भी चार्ज की जो पावर का जो रीजन होता है ना वो फिक्स्ड होता है। कि कोई भी चार्ज किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी ताकत, अपनी पावर्स को शो कर सकता है, उस रीजन से बाहर वो अपनी पावर्स को शो नहीं करता। ठीक है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जनरली रियल लाइफ में भी हम एग्जाम्पल्स में, ठीक है, जैसे कुत्ते वाला एग्जाम्पल हो गया, बड़ा पुराना एग्जाम्पल है किसा पिटा सा अपना, कि हर गली में अपनी कहावत है ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो वो कहावत ही यहाँ पे लागू है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक हर अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मतलब एक गली में, इस गली में एक कुत्ते का राज है। ठीक है, अगर ये इस गली से बाहर जाएगा तो ये अपना इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर पाएगा, इस गली से बाहर ये किसी को डरा नहीं पाता। लेकिन इस गली में अगर कोई आ गया, इसकी गली में कोई घुस गया, तो ये उसको छोड़ेगा। ठीक है, ये उसको या तो जिससे प्यार करता है उसको अपनी तरफ लेके आएगा, उसको आराम से करके प्यार करेगा उसको, अब जिससे नफरत है उसको भगाएगा। ठीक है, हाँ, अगर इसकी रेंज से बाहर दूसरी गली में जो कुछ भी चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, दूसरी गली वाले को ये कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, दूसरी गली में कोई जा रहा है उसको ना ये भौंकेगा ना उसको प्यार करेगा। ठीक, तो सिमिलर ऐसा है कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक एरिया फिक्स्ड है, एक रीजन फिक्स्ड है जिसमें वो अपना इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट? या वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर ले या किसी चार्ज को रिपेल कर दे, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, लिखें बेटा, द रीजन और एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्शन। द रीजन और एरिया इन विच अराउंड ए चार्ज इन विच इट कैन शो इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एरिया जिसमें ये अपना इफेक्ट शो करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो अब इसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब मान लिया हमें एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसका एरिया फिक्स्ड होगा, इसके अराउंड इसका एरिया फिक्स्ड होगा, गिवन चार्ज का एरिया फिक्स्ड होगा कि इस रीजन में अगर मैं बाहर से कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं और वो इस रीजन में आ गया तो ये उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। इससे बाहर रख दो आप चार्ज, आप यहां पे रखोगे ये इसको कुछ भी नहीं कहेगा, कर तेरे को जो करना है कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इसको यहां पे लेके आ गए आप, इसके रीजन में लेके आ गए, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस रीजन में ना इसकी पावर्स को शो करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं कि भाई इसके अराउंड जो इसकी पावर्स है ना, वो इसकी पावर कुछ ऐसे निकल रही है। ठीक है, जैसे सन के अराउंड हम बनाते हैं ना कि भाई ये सूरज है अपना सन, ठीक है, इसके अराउंड अपनी किरणें ऐसे निकलती है, लाइट ऐसे निकलती है। ठीक है, बिल्कुल इमेज उसी तरह है ये बेटा, ये ठीक है ना, कि ये एक चार्ज है, इस चार्ज से ऐसे लाइन से निकल रही है, इमेजिनरी नॉट रियल, इमेजिनरी लाइन से निकल रही है इस चार्ज के अराउंड। ठीक है ना, और इन लाइंस पे अगर आप कोई भी चार्ज रख दोगे, इस रीजन में आप कोई भी चार्ज रख दोगे तो ये उस पर अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये होती है अपनी फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए चार्ज। ठीक है, तो लिखे सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला पॉइंट बेटा, दे आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, दे आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए चार्ज, अराउंड ए चार्ज, अराउंड ए चार्ज, ठीक है, किसी भी चार्ज के अराउंड, ये जस्ट एक महज एक अफवाह है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आप अगर आपके पास दो चार्जेस अवेलेबल है किसी रीजन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आएंगी, ठीक है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे खत्म, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हरदम दूर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो सेकेंड पॉइंट लिखें, they always originate from positive charge and terminate at a negative charge. ये positive charge से originate होती हैं और negative charge पे terminate हो जाती है, ठीक है, clear है, ठीक है। Third important point, आपने magnet पढ़ा है, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट में फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हरदम क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होती, ना इनकी शुरुआत का पता ना इनके अंत का पता, कंटिन्यूसली ऐसी लाइन है, ये क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो थर्ड पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट भी, नेक्स्ट पॉइंट, आपको डायरेक्शन चाहिए ना कहीं पे भी फील्ड की, भाई ये फील्ड लाइंस थी, ये फील्ड लाइंस है, फील्ड नहीं है, ठीक है ना, आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। मैं कहता हूं कि बताओ भाई इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आपको डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे टेंजेंट यही आ जाएगा, तो ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइंस tells या gives the direction of electric field, gives the direction of electric field, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये तो थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया था ना बेटा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, रिपीट कर दो बेटा, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट On field lines, gives the direction of electric field at that point. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यहां पे फील्ड इस तरफ है, यहां पे फील्ड इस तरफ है, यहां पे फील्ड इस तरफ, ठीक है, टेंजेंट हरदम डायरेक्शन बता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया था, टेंजेंट वाला ही, ठीक है ना, हाँ टेंजेंट वाला ही था। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। मान लो ये फील्ड लाइंस है अपनी, तो कोई भी फील्ड लाइन ऐसी पॉसिबल नहीं होगी जो ऐसे हो जाए, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, दो फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं कर सकती। क्यों? ये देखो, मान लो बेटा एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन है ये, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहता हूं, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। एक टेंजेंट ये हो गया E1, एक टेंजेंट ये हो गया E2। अरे भाई, एक ही पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन, हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही चार्ज रखा है और एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन फील्ड की, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि एक पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन से नहीं हो सकती, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो पॉइंट लिखे फिर से अपना, नेक्स्ट पॉइंट लिखे सही बच्चे। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये जितना नंबर भी अपना पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हरदम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेंगी, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो प्लेट ले ले, एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट है बेटा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहां पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव इज एट हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हरदम हाई पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल पे। तो इस पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट, एक चार्ज है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपने दो चार्जेस को कंपेयर करना है फील्ड लाइंस के बेसिस पे, ठीक है। मैं कह दूं एक ये चार्ज है और एक चार्ज है ये, इसके अराउंड फील्ड लाइंस है, कुछ एक फील्ड लाइंस है इसके अराउंड 4, 5, 6, ठीक है। इसके अराउंड फील्ड लाइंस दी हुई है आपको ऐसे, दो चार्जेस को आपको बना के दे दिया जाए ऐसा, और अब पूछा जाए कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इस पे चार्ज मान लो है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और आपसे पूछा जाए कि बताइए किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है ना बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड इट। चार्ज का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अराउंड 6 फील्ड लाइंस, इसके अराउंड 1, 2, 3, इसके अराउंड 3 फील्ड लाइंस। तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? Q1 will be greater than Q2। और अगर आपको चार्जेस का रेशियो निकालना है, तो Q1 by Q2 का रेशियो क्या आएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड 1 अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड 2।
ये आपको चार्जेस का रेशियो बता देगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम बात करें, इसके अराउंड फील्ड लाइंस 6 है, इसके अराउंड फील्ड लाइंस 3 है, तो Q1 is to Q2 का रेशियो आएगा 2:1। रेशियो बताएगा, वैल्यू नहीं बताएगा, सिंपल रेशियो बताएगा आपको चार्जेस का, इन दोनों चार्जेस का रेशियो 2:1 है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये पॉइंट, किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट यहां तक किसी को इस वाले पॉइंट में? ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। लिखे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, सभी बच्चे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया और फील्ड डेंसिटी, और फील्ड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, और इसको हम क्या बोल देते हैं, फील्ड डेंसिटी भी बोल देते हैं, फील्ड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया, रुक रुक के चल रहा है, बाकी सभी बच्चों का सही चल रहा है, बाकी बच्चों को भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या कि उनका भी वीडियो रुक रुक के चल रहा है? नो, अगर नहीं तो बेटा फिर आपके एंड पे कनेक्टिविटी का इश्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, मतलब समझते हैं इसका, और ये अपने लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गॉस लॉ में हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज माना आपने, इसके अराउंड फील्ड लाइंस हैं कुछ ऐसे, ठीक है, मैंने क्या किया, एक एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, एक गिवन एरिया ले लिया कि भाई ये सर्कल ले लिया है, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, या कैसा भी एरिया मान लो, एक छोटा सा सर्कल माना आपने, ठीक है, और इस सर्कल को एक बार आपने यहां पे रखा, यहां पे रखा मैंने इस सर्कल को, एक बार इस सर्कल को मैंने यहां पे रखा, और एक बार और आगे ले जाके रखा, ठीक है। अब देखो बेटा, एरिया सेम है, सेम एरिया में से मैंने क्या देखा, उसी एरिया को मैं यहां पे रखता हूं तो उसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 4 फील्ड लाइंस पास हो रही थी, इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके गया तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस कम हो गई, और दूर लेके गया तो फील्ड लाइंस और कम हो गई। इसका मतलब क्या है दया, कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है, या अनदर वे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म कब होती, जब यहां पे रखते 4 फील्ड लाइंस पास करते, यहां पे भी 4 ही होती, यहां पे भी 4 ही होती, तो ये फील्ड लाइंस कैसी होती, यूनिफॉर्म। ठीक है, एग्जांपल ले, कहीं पे ऐसी फील्ड लाइंस अवेलेबल है, ऐसी फील्ड लाइंस अवेलेबल है, इसमें मैं एक गिवन एरिया ले लू, ये एरिया, इसको यहां पे रखो, यहां पे रखो, यहां रखो इस एरिया को, इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस कभी चेंज होंगी ही नहीं, तो ये फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी। ठीक है, तो फील्ड डेंसिटी हमें फील्ड का नेचर बताती है। ठीक है, तो इसी में हेडिंग डाल, इसी में लिख ले, फील्ड डेंसिटी, फील्ड डेंसिटी टेल्स अस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड डेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बताती है। ब्रैकेट में लिख लें, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है,
आगे लिखे इसी में, इफ फील्ड डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, इफ फील्ड डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. इफ फील्ड डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी. अगर फील्ड डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, जैसे इस केस में बात कर रहे थे, यहां पे बेटा फील्ड डेंसिटी कॉन्स्टेंट है नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे बेटा, स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस, स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस, स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस, ठीक है, उल्टा लिख दिया, स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्पेस बिटवीन फील्ड लाइंस, स्पेस बिटवीन फील्ड लाइंस, ठीक है. और पिछला भी हमने शायद, हाँ, इसमें उल्टा कर दिया बेटा अपने, नहीं ये ठीक था अपना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. स्पेस बिटवीन फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. मतलब एक चार्ज के अराउंड ये मान लो ये फील्ड लाइंस थी, ठीक है. यहां पे देखो बेटा फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस कम है, स्पेस कम है तो यहां पे फील्ड ज्यादा होगी, यहां पे स्पेस ज्यादा है तो यहां पे फील्ड कम होगी. जहां पे फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जहां पे फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है. क्लियर है सभी को, सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को. हां जी, बढ़े आगे टॉपिक पे अपने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सभी को समझ आई, सभी को याद हो गई ऐसा मैं मान रहा हूं. ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, वापस लौट के आते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, मुझे ये एक पॉइंट चार्ज दिया गया कि भाई ये एक चार्ज है Q, ये एक चार्ज है Q, मुझे इस चार्ज की वजह से ना किसी पॉइंट पे फील्ड पता करनी है. मैं पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहले भी ये लिख लें, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है, फिर पॉइंट चार्ज का डिस्कशन कर लेंगे. कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करोगे, किसी पॉइंट पे आपको बता दें कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो चल गई, ये चीज होती है. आप ये भी बता सकते हो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, पर कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये कैसे पता करेंगे, ठीक है. तो इसको पता करने के लिए अपना रूल है, आपको किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो क्या करो बेटा, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक, ये डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है अपना आर, ठीक है ना. आर डिस्टेंस पे आपको कोई पॉइंट है, यहां पे आपको फील्ड चाहिए, तो आप क्या करो, यहां पे एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, बात कर चुका हूं मैं इसकी पहले भी, आप यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखो, ठीक है, और इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लो कि इस चार्ज पे ना फोर्स कितना लगेगा, इसकी वजह से कितना आएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय
चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. क्यू नॉट क्या है? चार्ज, चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है. पहले उस पॉइंट पे फोर्स निकालो कि यहां पे फोर्स कितना लगेगा और उस फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला हो गया F बाय क्यू, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. इसका ना ले लेना, ये चार्ज से डिवाइड ना कर देना कि सारा किस्सा खत्म हो जाएगा. इसकी वजह से तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, जिस चार्ज पे, जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उसके चार्ज से डिवाइड कर दो. ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे अब सिंपली फील्ड अगर मैं देखूं, चार्ज रखने की जरूरत नहीं, यहां पे फील्ड क्या आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया अपना. ठीक है जी, अगर चार्ज नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात पूछी आपने, पूछना चाहिए बेटा. अगर यहां ये चार्ज अगर नेगेटिव है, दो बातें हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है. अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इसकी फील्ड इस तरफ हो जाएगी बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. और मैं फिर से आप लोगों को एडवाइस करूंगा, डू नॉट यूज साइन ऑफ चार्ज. गिव डायरेक्शन बाय लॉजिक ओनली. डायरेक्शन सिर्फ लॉजिक से दे दो भाई, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज. कोई परेशानी नहीं आएगी डायरेक्शन देने में. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब लिखें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है? ठीक है, उसी में पहला पॉइंट तो अपना यही हो गया, डो नॉट यूज साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का साइन यूज नहीं करना. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखें, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं. फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप देखिए कि वहां पे आप, जैसे ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है तो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा. अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करनी है तो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा. ठीक है, साइन डज नॉट अफेक्ट मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिक फील्ड भी भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बिल्कुल फॉलो करती है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी. मीन टू से आपने एक चार्ज लिया प्लस क्यू और एक चार्ज मान लीजिए आपने यहां पे ले लिया माइनस क्यू. आप इन दोनों की वजह से, ये पॉइंट है ए, यहां से डिस्टेंस है इसकी आर, यहां से भी डिस्टेंस है आर. आप इस पॉइंट पे टोटल फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बिंदास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. इसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसकी फील्ड मान लो E1 वेक्टर. नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी फील्ड आ गई E2 वेक्टर. तो नेट फील्ड बेटा हम यहां निकालेंगे, नेट फील्ड
will be equal to E1 vector plus E2 vector. ठीक है, और हम भाग्यशाली हैं इस केस में कि अपना एंगल जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री है. ठीक है, अगर 90 नहीं होगा तो क्या करेंगे, वेक्टर तरीके से सोल्व, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1E2 cos of theta. ठीक है, चाहे दो चार्ज हो, चाहे चार हो, चाहे दस हो, सब कुछ वैलिड है, सब आप इस पे सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फोर्थ है या फिफ्थ मुझे नहीं पता, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन इन सिमेट्रिक फिगर्स या इन सिमेट्रिक चार्जेस या सिमेट्रिक फिगर्स इजी. फॉर एग्जाम्पल इजी लिख लें उसमें, इजी स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन इन सिमेट्रिक फिगर्स ऑन सिमेट्रिक चार्जेस इजी स्क्वायर या रेगुलर पॉलीगन ऑल्सो फॉलोज रूल्स यूज्ड इन फोर्स कैलकुलेशन. जो हमने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था ना बेटा, कि चार चार्जेस हैं आपके पास, ठीक है, आप सेंटर पे बताइए टोटल फोर्स कितना होगा, स्क्वायर था. तो बिल्कुल जिस तरीके से फोर्स को डील कर रहे थे ना, एग्जैक्टली वही आएगा, एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स पूरे के पूरे फोटोकॉपी है. ठीक है, आप देखो प्लस क्यू, इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या आएगी, जीरो, फोर्स के तरीके से सोल्व करेगी. सिमेट्री वाले सारे रूल्स फोर्स के एप्लीकेबल है यहाँ पे, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे स्क्वायर हो, ठीक है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, जिस तरीके से फोर्स की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे उसी तरह से हम फील्ड की प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे. ये पॉइंट रिपीट कर दूं, ठीक है, चलो लिखो बेटा ये पॉइंट फिर से लिखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन इन सिमेट्रिक फिगर्स फॉर एग्जांपल स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन एटसेट्रा ऑल्सो फॉलोज द रूल्स वी यूज इन फोर्स कैलकुलेशन. जो रूल्स हमने फोर्स कैलकुलेशन में किए थे यूज, वो सारे यहां पे एप्लीकेबल हैं. ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, सिमिलर रूल्स हैं, ना ही आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा. बस वहां पे जहां पे आप नेट फोर्स निकाल रहे हो ना, उसको यहाँ पे जो चार्ज प्लेस किया है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना. ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी चार्ज नहीं रखा तो यहाँ पे अपनी मर्जी से एक यूनिट चार्ज रख लो और फिर इससे डिवाइड कर देना. क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट पे पता चल गई, किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है तो आप फोर्स का एक टेस्ट चार्ज रख दो उस पॉइंट पे और उस पे फोर्स निकालो और उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. ठीक है, क्लियर भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक हजम हो गया भाई? हाँ जी, डाइजेस्ट हो गया यहां तक, बताइए फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करें. किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट? क्लियर, समझ आ रहा है भाई? सबको समझ आ रहा है? अगर समझ ना आए तो बता देना ना, बिना समझे फिर पढ़ने का फायदा क्या. ठीक है, हेडिंग डाले बेटा, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में सबको पता चल गया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी कांस्टेंट है या लाइंस के बीच में स्पेस इक्वल है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो ये फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, आपको डायरेक्शन बेटा फील्ड लाइंस की इधर दे दी गई, तो इसका मतलब क्या है? इधर पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन एकदम कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज रखा है और इधर नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं जिसका चार्ज था Q, मास था M। Q एक चार्ज था पॉजिटिव, M उस पे मास था, उसको मैंने यहां पे रख दिया। क्या होगा इसके साथ? क्या होना चाहिए तुम्हारे अनुसार? क्या ये चुपचाप बैठा रहेगा, नींद पूरी करेगा आराम से, फिर उठ के चला जाएगा, घर जाके सो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इधर ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं मान लूं इस फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा एफ। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, भाई आप एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। और इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पढ़ा कि भाई फील्ड क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूं? चार्ज इंटू फील्ड लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना लगेगा बेटा? फोर्स इज इक्वल, फोर्स कितना लगेगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड, क्यू इंटू ई। ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म है तो ही वैलिड रहेगी अपना। ठीक है, और फोर्स बेटा कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है एम, उस पर कुछ फोर्स लगा, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ए, और मैं एफ को क्या लिख सकता हूं? एम ए। हाँ या ना, हजम हुआ या नहीं, सक्सेस होता, ये वाली चीज यहां तक। इस पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा क्यू इंटू ई। ठीक है, उस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा चार्ज में, और मास है एम, तो मैं फोर्स को और क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहां तक डाइजेस्ट हो गया, हजम हो गया भाई? बोलो हाँ या ना में जवाब दो, जबरदस्ती हाँ नहीं करनी, जिनको नहीं समझ आया बता दें, बाकी लोग भाई साक्षी शिया आयुष इनकी तो हाँ गई, और बाकी लोगों को मतलब बाकी लोगों को समझ नहीं आया या आ गया? ठीक है, चलो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। आपने एक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें आपने एक चार्ज रखा पॉजिटिव चार्ज, इधर बेटा फील्ड की डायरेक्शन से हमने चार्ज लिख लिया, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, भाई चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा तो ये इधर मोशन स्टार्ट करेगा, कुछ मूवमेंट होगा इसका। ठीक है, और फोर्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, तो इस पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या आएगा? क्यू इंटू ई। कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया,
और इसका इंपॉर्टेंस तो भैया 5 स्टार है इस फॉर्मूला का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने एक चार्ज पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया तो उसमें आंख बंद करके फॉर्मूला, आंख बंद कर लेंगे तो यूज कैसे करेंगे है ना, दिमाग बंद करके ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, QE/m मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द चार्ज, चार्ज का मास। ठीक है, फिर से समझ सभी तक याद है, क्लियर है सभी को। अब देखो भैया, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो अपना एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। अपना एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। लीनियर मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मेरा भी फर्ज बनता है और हम सबका फर्ज बनता है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक बार फिर से दोहरा लें। UT+ ½ AT², V²-U² = 2AS। अगर मोशन हमारा लीनियर है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो आप इस चार्ज पार्टिकल पे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सर क्यों अप्लाई करें, क्या फायदा मिलेगा, मिलेगा मैं पूछ लूं कि इनिशियली मैंने इस चार्ज को यहां पे रेस्ट पे रखा, एक चार्ज पार्टिकल को एक फील्ड में मैंने रेस्ट पे रख दिया, बताओ 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ 10 सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर देगा, ऐसे सवाल पूछ सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे सवाल पूछने में मजा आता है। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये सारी चीजें लिख देता हूं, एक नॉट एक TNT बना लीजिए, ठीक है ना, TNT टूल्स एंड टेक्निक्स बताया था मैं कल भी, एक TNT बनाइए और उसमें लिखिए, इसी में ये जो अपना हेडिंग चल रहा है इसी हेडिंग में अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना, TNT में लिखे एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में A=QE/m। ठीक है, और इसका यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, V=U+AT, UT+ ½ AT², 2AS, ये तीनों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। आपको जो पैरामीटर्स गिवन हो उनकी वैल्यूज रख दें, जो नहीं गिवन वो फाइंड आउट करने के लिए अपने से बोला जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी फैक्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लिखिए सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक सवाल, एक प्यारा प्यारा सा सवाल। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज प्लस 2 माइक्रो कूलम एंड मास 0.02 kg, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 2 माइक्रो कूलम एंड मास 0.02 kg इज प्लेस्ड, मास 0.02 ग्राम है बेटा, ये सॉरी केजी नहीं ग्राम है, 0.02 ग्राम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को
एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, चार्ज दिया है, मास दिया है, फाइंड फाइंड ए पार्ट. इफ ए पार्ट में क्या है, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि उसको इनिशियली रेस्ट पे रखा था, आपने कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, चुपचाप रख दिया. इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर आफ्टर 2 seconds. 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है, ये व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर, फर्स्ट पार्ट था इसमें 2 सेकेंड, सेकेंड पार्ट है आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 20 meters. दोनों अलग अलग है यही केस के, रेस्ट से रिलीज किया तो बताओ 2 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगी और 20 meters डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी. तो ट्राई करें बच्चे प्रॉब्लम ये एक बार. आपके सामने फॉर्मूलाज अवेलेबल है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस अवेलेबल है, सभी को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके यूज करें फॉर्मूला में और निकालेंगे वैल्यूज. ठीक है, इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों से आंसर, एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई. टू सेकेंड के लिए निकाल दो, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी. तब तक हम भी थोड़ा विश्राम फरमा लेते हैं ना. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में इसका आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए. हो ना हो चाहे गलत आए आंसर कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई. आपके सामने फॉर्मूला अवेलेबल है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अवेलेबल है, सारी वैल्यूज गिवन है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है. बेटा यूनिट्स के साथ में वेलोसिटी के कुछ यूनिट्स होती है ना, और इसमें एक बात और ध्यान रखें, इग्नोर जी, जी को हम 0 मान के चल रहे हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, 0.02 सेकेंड. अरे भैया वेलोसिटी की यूनिट सेकेंड कब से होने लग गई, 12वीं कक्षा में हो गए हो, वेलोसिटी की यूनिट नहीं पता. क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट भाई, सेकेंड होती है वेलोसिटी की यूनिट. करेक्ट यूनिट लिख के भेजना भाई जरा, वेलोसिटी की क्या होती है. मीटर पर सेकेंड याद कर लो बेटा, जिन्होंने गलत लिखी थी वो देख लें, इसकी करेक्ट यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा. क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नीट्यूड है 10 volts per meter, चार्ज रख दिया +2 microcoulomb का. तो बेटा इसमें एक्सेलरेशन कितना डेवलप होगा, QE/m, चार्ज है बेटा 2 microcoulomb है तो 10^-6 into E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10 by mass, 0.02 तो ग्राम में है, केजी में क्या आएगा 10^-3. ठीक है, क्लियर है. अब देखो इधर जरा, ठीक है हाँ, ये अपना एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना है अपना 2 × 10^-5 अपॉन 2 × 10^-5, 1 meter per second स्क्वायर अपना एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, एक्सेलरेशन 1 meter per second स्क्वायर. तो भाई वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर ले. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो रख दो 0,
एक्सेलरेशन भाई कितना था, वन। टाइम कितना था, कितने टाइम के बाद पूछा है, टू सेकेंड्स के बाद। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। मेरा बहुत सारे भाई बंधुओं ने ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं किया, इसीलिए ये तरह तरह के भांति भांति के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी में ही है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। टाइम नहीं बताया, थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ, v square minus u square is equal to 2as, u zero, v square, तो ये तो खत्म, जीरो है क्योंकि इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया है, 2 एक्सेलरेशन 1 डिस्टेंस 20, 40, v square is equal to 40, तो v कितना आ गया, कितना आएगा, 40 का रूट आएगा, और क्या आएगा, v is equal to root 40 या 2 root 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 2√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आ गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट लिखे इसका, भाग गए कुछ लोग तो प्रोग्राम करने के नाम से ही, है ना, सवालों का नाम आते ही भागते। सेकेंड पार्ट डिफरेंट है, सेकेंड पार्ट डिफरेंट है, ये सारी वैल्यू सेम है, ये सारी वैल्यू सेम है। अब सेकेंड पार्ट लिखे, सिचुएशन यही है, अब की बार क्या किया, बी पार्ट में लिखे, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर थी तो पार्टिकल को ना की बात इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो कर दिया फील्ड के अपोजिट। ये सारी चीजें सेम थी, चार्ज, मास, इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम था। ठीक है, Find the distance and time after which it will come to rest. Distance और time find out करो, कितने time के बाद ये रुक जाएगा, कितने distance travel करने के बाद रुक जाएगा। रुकेगा क्यों भाई, देखो इसका acceleration तो इस तरफ है, क्योंकि acceleration किस तरफ होगा, force की direction में, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो फोर्स इस पे लगा इधर, तो इसका एक्सेलरेशन तो है इधर, और आप इसको थ्रो कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन। ये तो वही बात होगी ना कि आपने अर्थ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, तो क्या होगा, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुकेगा, कहां जाके रुकेगा, कितनी देर बाद रुकेगा। अब की बार बेटा हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ये रुकेगा, क्यों रुकेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन हम देखें, आप अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है। ठीक है, एक्सेलरेशन अपोजिट है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या होगा, वो रुकेगा, क्योंकि वो रिटार्ड होगा ऑब्जेक्ट, उसको रिटार्डेशन फील होगा। ठीक है, तो ये सिमिलरली वही सवाल है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, बताओ कितनी देर बाद रुक जाएगा, फाइंड टाइम एंड डिस्टेंस, कैलकुलेट करें कितनी देर के बाद रुकेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा।
20 सेकेंड्स, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 20 सेकेंड्स के बाद ये रुक जाएगा। बहुत अच्छे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, बाकी बच्चे भी जवाब दे बेटा, आप इंटरेक्ट करें, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, फायदा क्या है पढ़ने का फिर, एटलीस्ट ट्राई करो, गलत आंसर आएगा कोई बात नहीं, दो बार गलत आएगा, तीसरी बार में तो सही आ जाएगा। 15-16 बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग ट्राई करें यार प्रॉब्लम्स को, मैं जवाब सिर्फ देख पा रहा हूँ कि एक दो बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, दो ही बजे हो सकती है, यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है, या समझ के भी मुझे इग्नोर कर रहा है, मास्टर तो ऐसे ही है, बातें मारता रहता है, क्या कर रहे सवाल वाला ना। डिस्टेंस 200 मीटर बेटा, बिल्कुल सही है, टाइम 20 सेकेंड्स और डिस्टेंस 200 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं क्या कहते हैं, आपको एक सवाल फ्री देते हैं, ठीक है, करोड़ रुपए तो क्या करोगे आप, चलो देखो बेटा करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब की बार अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हमने तो रुकने वाला निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो इक्वेशन थर्ड यूज कर ले कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगा, 0 - 400 = 2। बेटा देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव, -1 × डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, माइनस माइनस कट गया, x कितना आ गया 200 मीटर, ठीक है। टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, v - u = 80, ठीक है, v 0 u 20, एक्सेलरेशन -1 × t, तो टाइम आ गया 20 सेकेंड्स, टाइम 20 सेकेंड्स, डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है हाजमा, हाजमा ठीक है भाई सभी का, चलिए ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम आज के दिन की, प्रॉब्लम कम रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने लिए, एक प्रॉब्लम लिखे बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एमसीक्यूज में सीधा पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें आपने एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन को रेस्ट पे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो बताइए कौन कौन किस किस तरफ भागेगा, किस किस पे किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सभी को रेस्ट से रिलीज किया, कोई डाउट नहीं यार, प्रोटॉन इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्रोटॉन इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। अगर मैं जी को इग्नोर कर रहा हूं तो ध्यान रहे, अगर जी को इग्नोर कर रहा हूं तो प्रोटॉन डायरेक्टली इस तरफ, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इस तरफ। अगर मैं जी को इग्नोर नहीं कर रहा, अगर जी को इग्नोर नहीं कर रहा तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो देखो फिर प्रोटॉन पे ना दो फोर्स लगेंगे, एक डाउनवर्ड जी, एक इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसका मोशन होगा ऐसा, ठीक है, प्रोटॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हम देखें इस केस में, प्रोटॉन को मैं स्पेशली अलग लिख रहा हूं, प्रोटॉन का मोशन होगा ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स तो इधर, दूसरा इधर, तो इसका मोशन होगा ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, प्रोटॉन ऐसे जाएगा,
और न्यूट्रॉन चुपचाप नीचे गिरेगा। न्यूट्रॉन तो चुपचाप नीचे गिरेगा क्योंकि न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे चार्ज तो क्या है, जीरो है। ठीक है, चार्ज जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना इस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा अपना, ठीक है, प्रोटॉन इधर और न्यूट्रॉन इधर। अगर जी को इग्नोर करते हैं तो प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर और न्यूट्रॉन चुपचाप लटका रहता है यहां पे। न्यूट्रॉन किसी को कुछ नहीं कहता। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक बात और पूछ लूं आपसे, इग्नोर कर दो जी को, ठीक है, कोई खास रोल नहीं है जी का, क्योंकि मासेस बहुत स्मॉल होते हैं तो जी का कोई खास इफेक्ट नहीं होता। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, जी मान लो जीरो है, बताओ तीनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तीनों में से किसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का या न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज तुम्हें पता ही है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम रहता है। ठीक है, मासेस का भी तुम्हें पता है किसका मास ज्यादा होता है। बेटा एक्सेलरेशन देखो, हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन लिखेंगे, क्या आएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ई इंटू क्यू ई बाई एम होता है ना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई चार्ज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन का तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा भाई, क्योंकि उस पर तो कोई भी चार्ज नहीं है। अब इन दोनों में से देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के मास से कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मास कम, तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, या और रिजल्ट हम लिखना चाहें यहां पे, अगली बार सोल्व ना करें प्रॉब्लम को, आपको एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों का रेशियो बता देगा। ठीक है, आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो चाहिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन ये भी आपको बता देगा। आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो चाहिए, वो भी आपको मासेस का रेशियो भी बताएगा। तो ये तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, डन डनाडन डन डनाडन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस बॉडीज, कॉन्टिन्यूस बॉडीज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय सभी को, एंड स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है, डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप अपने डाउट्स पोस्ट मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं यहाँ पे 8901173028, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे अपने डाउट्स जो भी हैं किसी भी चैप्टर के हों, इसके हों या किसी अदर चैप्टर के, आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो सभी को बाय। ठीक है, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। Thank you.
ठीक है बेटा, बाय सभी को, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।